वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम निकल रहे हैं एक और राइड पे। ये है हमारा दोस्त यश, एंड बेसिकली आज काफ़ी रा राइडर्स के साथ एक राइड कर रहे हैं। हमारी डोमिनार यहाँ पर खड़ी हुई है, खूबसूरत सी, प्यारी सी। काफ़ी दिन से मैंने निकाला नहीं है। अभी ना कल मेरे को एक ऑफिस में पार्टी थी, तो उस वजह से मैं निकल कर इसको साफ़ नहीं कर पाया। सो जल्दी से अभी एक कपड़ा मार लेते हैं इस पर, थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। ऑल दो वॉश करा के रखी थी, बट धूलें आ जाती हैं यार। यहाँ पर ना वो झाड़ू लगाने आता है डेली बंदा, वो झाड़ू क्या लगाता है, धूल ज़्यादा उड़ाता है वो, तो बड़ा परेशान हूँ मैं उससे। लेकिन एनीवेज अभी बाइक को एक बारी कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी दिन से ऐसे ही खड़ी हुई है, साथ साथ इस पर एक धूलें साफ़ कर देते हैं इसकी। एंड ओहो, ठंडी पड़ी हुई है बिल्कुल। ओके गाइस, तो अभी ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं आधा रास्ता। इनफैक्ट आधे गए, हमने ऑलमोस्ट 90% रास्ता कवर कर लिया है। सो जस्ट 1 से 2 किलोमीटर यहाँ से तक की लोकेशन। हाँ चालू है, चलो चलो चलो, कोई नहीं। अरे तो चलो ना, आप क्यों रुके हो, बहुत जल्दी है इसको साले को। आगे से बाइक निकल पाएगी मेरी यार, बाकी लोगों को ना देखम देख में मुझे निकालना घुसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बाइक का ना थोड़ा सा एरिया ज़्यादा है, चौड़ी जगह ज़्यादा लेती है ये। और ये है जनाब जिनकी वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है सारा। यहाँ ये कचरे का ट्रक गिरा पड़ा हुआ है, इस वजह से इतना ट्रैफिक लगा हुआ है यार। पीछे पीछे दिखा रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं यार, वहाँ पर लोग तो रुके हुए हैं। अभी हमारे बाकी के सारे राइडर्स मिले हैं, जब वो है मार्शल्स वगैरह मिले, तो वो बता रहे थे कि 2 किलोमीटर आगे जाना है। तो वो अभी लाइक सी 2 किलोमीटर आगे जाते हैं, एंड क्या रहता है। हमला किधर खड़ा हुआ है यहाँ पर, हमला को देखते हैं, हमला को देखते हैं, हमला को देखते हैं। वैसे हमला तो दिख नहीं रहा मेरे को अभी यहाँ पर कहीं पर। आई गेस फ्लैग ऑफ कर दिया है इन लोगों ने, हमला तो नहीं दिख रहा। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं सारे मार्शल्स की आगे आगे निकल जाओ आप लोग। सो लेट्स सी, क्या बोलते हो, चले क्या आगे, चलो। बहुत सारे राइडर्स हैं यार, बहुत सारे राइडर्स हैं आगे तक, तो मतलब मैं जहां तक नजर जा रही है ना, राइडर्स ही राइडर्स हैं सारे आगे। हम नए ना, अभी हम लेट आते हैं ना, जिस दिन टाइम से आने सीख जाएंगे फिर बनेंगे। यार देख लो मेरे को ना पीछे से किसी ने ठोका था, उसने लाइट तो नहीं तोड़ी पीछे। नहीं नहीं सही है, वो कैमरा निकाल लूंगा ये शागे लिए। एक मिनट लग रहा है, बस एक मिनट। 360 तो अब इंस्टॉल होगा गाइस।
गाइस मोजोलैंड पहुंच गए हैं फाइनली, एंड अभी पार्किंग वार्किंग में अपनी बाइक्स लगा ली हैं, काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पर, फाइनली अभी अंदर पहुँच गए हैं। कुछ इस तरीके से सिचुएशन है, क्या चल रहा है इधर? कॉफी, डांस परफॉर्मेंस है, बच्चों की डांस परफॉर्मेंस है, और भी कुछ काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेज हैं। ऐसा रिफ्रेशर ड्रिंक यहाँ पर चाय का अरेंजमेंट कर रखा है। हाँ जी, क्या प्लान है? देखते हैं अभी क्या रहता है। चलो आओ, अभी प्लान खाने का है। रमीज, अभी 3 कप चाय पी है तुमने? भाई चौथा कप। भाई हमजा का कौन सा कप है? हमजा कप ला रहा है बस। अच्छा, हमजा सिर्फ कप ला रहे हैं और ला रहे हैं, मैं पी रहा हूँ। और तुम चाय पे चाय पिए जा रहे हो? चाय चाय दोबारा से हमजा, दोबारा से ये कैसे होगा? अच्छा, चाय चाय चाय, ऐसे स्लोगन क्यों नहीं मानते कि बेटे को बताओ और नाम आने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। तो इवेंट अभी बेसिकली चल रहा है, परफॉर्मेंसेस चल रही है बच्चों की, एंड काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे सोशल कॉज के लिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। बाकी अभी खाना वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर स्नैक्स थे वो खा लिए हैं, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ यहाँ पर इस तरीके से सारी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। सीटिंग एरिया बना रखा है यहाँ पर सारा। वो एक मेंढक बैठा हुआ है छोटा सा, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, 6-8 फीट का मेंढक। ये हमजा को क्या हुआ? हमजा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा इवेंट था। अभी हम लोग निकल रहे हैं, स्नैक्स वगैरह अपने कर लिए थे, काफ़ी अच्छे से स्नैक्स थे। बाकी हम लोगों ने एक ट्रिक भी लगाई कि हमजा को और उमैर को आगे लगा दिया था पहले, ये लोग लेकर आए, हमने इनके साथ शेयर करके खाया। उसके बाद फिर जब हमारा नंबर आया, हमने अपनी ट्रे बनाई, अपनी थाली बनाई, उसके बाद हम लोगों ने फिर सबके साथ शेयर करके खाया। तो इस तरीके से सबका पूरा भी हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं रही। बाकी लोकेशन तो काफ़ी अच्छी चूज़ की थी, लोकेशन बढ़िया है। अब हम लोग निकल रहे हैं वापस। चले गाइस, लाइनअप चेक कीजिए, एक से एक गाड़ी आ रखी है, और गाड़ियां तो इतनी हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जिधर की साइड आप देखेंगे बाइक्स ही बाइक्स हैं। यार मेरे को ना ये ट्रायम बहुत सेक्सी लगी, ये मतलब बंदे ने बहुत सही करके इसको बना रखा है बेहतरीन सा। प्लस आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर वी स्टॉम है, यार ये वी स्टॉम भी काफ़ी बल्कि बना दी है बंदे ने, फुल GS जैसी वाइब दे रही है। प्लस उसके अलावा आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं यहाँ से वहाँ तक। गाइस अभी बस यहाँ से निकल ही रहे थे, तो अभी ना हम लोगों को BMW की तरफ से कुछ लोग मिल गए हैं, वो लोग ना अभी टेस्ट राइड करा रहे हैं BMW की बाइक्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BMW की आपकी RR 310 खड़ी हुई है, GS 310 खड़ी हुई है, प्लस 310R भी खड़ी हुई है नेकेड वाली। ओके, सो GS 310 मेरे को एक बार ट्राई करना थी अपनी डोमिनार के कंपैरिजन में कि कैसी रहती है, सो एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा इसका फीडबैक है। यश मालिक, मैं ले लूँ ये? हाँ जी, थैंक यू। मेरे को इसमें फोटो भी खिंचानी है। फोटो अभी क्लिक कराते हैं, मैं होकर आता हूँ। भाई मेरा फोन हमजा के पास है। इसके ना ब्रेक देखकर मारना, फंस रहे इसके ब्रेक। तो बेसिकली अभी जो मेरा बैठकर फीडबैक है ना वो ये है कि ये बाइक ना लाइट बहुत ज़्यादा है। मेरी डोमिनार है ना, मेरी डोमिनार काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और उसका जो मुझे रीज़न समझ में आता है ना वो ये है कि इसमें ना फेयरिंग है आगे, तो क्या है ना कि हैंडल आपका बिल्कुल फ्री है, और मेरे वाले में ना हेडलाइट और सारा सिस्टम ना उसके हैंडल बार पर दे रखा है, सस्पेंशन पर आता है सारा लोड, तो टायर ना काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है, उस वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब हैवी सी फील होती है वो आगे पीछे करने में। ऑल दो इसकी सीट हाइट मेरी वाली से ज़्यादा है, डोमिनार से काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल इसका जो वो है ना एक वेट जो फील होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। यार बहुत ही ज़्यादा लाइट बाइक है ये, बहुत ही ज़्यादा लाइट बाइक है, मतलब इसका तो वेट फील ही नहीं हो रहा, लिटरली इसका ऐसा कोई वेट ही नहीं है। एंड मैं ना अभी देख रहा हूँ कि यार इसमें ना जो एक पोस्टर है, पोस्टर भी काफ़ी अच्छा है। और थ्रॉटल रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसका, एडवेंचर करने के लिए ना ये बाइक लिटरली यार बहुत अच्छी है। मतलब इसका नाम ही GS 310 है ना, तो GS से तो आप समझ सकते हैं कि GS जो कैटेगरी है ना वो एडवेंचर के लिए ही बनी हुई है। इसका हैंडल की जो पोजीशनिंग है वो मेरे को बहुत सही लग रही है, मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग पर हैंडल है, काफ़ी वाइड है। प्लस इसके अलावा जो इसका वेट तो मैंने आपको जैसे कि बताया बहुत ही कम है, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, इसको ना इधर उधर आपको मैन्यूवर करने में बहुत ईजी रहेगा। ऑल दो इसकी सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होगी इसको ट्रैफिक में चलाने में। तुम्हारा फोन है? मेरा फोन तो हमजा पर है। ग्राउंड पे चलते हैं, इसकी ऑफ रोडिंग करते हैं। RR 310 आपकी खड़ी हुई है,
बहुत अच्छी बाइक है। अपाचे तो मैंने बहुत ज़्यादा चलाई है, ऑलमोस्ट सेम इनका सारा कुछ है अपाचे का, बट पावर फिगर्स इसके अच्छे हैं डेफिनेटली। इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है एंड सीटिंग पोस्चर और बाकी सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो सारी की सारी सेम ही है। बट ये बाइक जो है ना अपीलिंग है, रोड प्रेजेंस है, प्लस सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो है इसका ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू तो आप डेफिनेटली समझ ही सकते हैं कि ब्रांड वैल्यू तो इसका गाड़ी का है ही। साथ ही साथ हमारे पास इसका एक नेटेड वर्जन भी खड़ा हुआ है जो कि है अपाचे, जो कि है BMW 310R। ये डबल आर है और ये सिंगल आर है, ये नेटेड में है। GS जो मैंने अभी चलाई, यहाँ जो आपकी GS खड़ी हुई है यार, इस बाइक का तो मैं कह सकता हूँ कि ये बाइक डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इस बाइक के लिए जाइए। भाई हैट्स ऑफ है ऐसे भाई को जो ऐसी परेशानी होने के बाद भी अपना शौक पूरा कर रहे हैं राइडिंग का। यार देखो वही वाली बात है कि अगर आपके पास ना चाहत है, आप करना चाहते हैं ना, तो आप कर सकते हैं। भाई को यार बिग थम्स अप है, भाई के चैनल का नाम लिखा हुआ है दलहाई किशोर। यार इनका चैनल भी चेकआउट करना गाइस ज़रूर, यूट्यूब चैनल है। भाई ने ना एक्टिवा को मस्त अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रखा है, लोड कर रखा है। यार वही वाली बात है कि आप ना करना चाहो तो आपके पास हज़ार तरीके हैं करने के।